एक तरफ सरकार चाहती है कि देश में काफी तेजी के साथ वैक्सीनेशन हो, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन में बड़ी लापरवाही की खबरें भी आई। खबर यह है कि देश के निजी अस्पताल मई के महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का इस्तेमाल तक नहीं कर पाए। देश भर में जारी वैक्सीनेशन और कई राज्यों में लगातार वैक्सीन की कमी के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के स्टॉक को लेकर जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक मई में निजी अस्पतालों ने अपने वैक्सीन स्टॉक में से केवल 17% डोज का इस्तेमाल किया। मई के महीने में 1,85,00,000 डोज प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय की गई। प्राइवेट अस्पतालों ने इसमें से 1,29,00,000 डोज की खरीद की। प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ 22,00,000 डोज का ही इस्तेमाल किया गया। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक मई के महीने में प्राइवेट अस्पतालों के पास 1,07,00,000 डोज का स्टॉक बाकी रह गया था। केंद्र सरकार की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को अब तक 25,87,00,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज सप्लाई की गई है। इसमें से 24,76,00,000 टीके का इस्तेमाल किया जा चुका है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1,12,00,000 से अधिक खुराक उपलब्ध है। देश के लगभग हर राज्य में वैक्सीनेशन जारी है और अब तक देश भर में करीब 25 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।